रतनपुर, यह बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। रतनपुर की टॉप 15 टूरिस्ट प्लेसेस और मंदिर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और रियल में यह महामाया नगरी रहस्यमयी है। तो चलिए जानते हैं रतनपुर के टॉप 15 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। सबसे फर्स्ट है भैरव बाबा। भैरव बाबा, जैसे ही आप बिलासपुर से जाएंगे तो सबसे फर्स्ट भैरव बाबा पड़ेगा। तो यह मंदिर जो है, महामाया मंदिर के दर्शन से पहले भैरव बाबा के दर्शन करना चाहिए ऐसा बोला जाता है। और यह जो है, यहाँ मंदिर परिसर में कई छोटे बड़े मंदिर है, और यहाँ पे दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है, और यहाँ पे जस्ट इसके सामने जो है प्रवेश द्वार है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, तो चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये है यहाँ का मंदिर, भैरव बाबा। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है, और यहाँ पे आप मछलियों को जो है मुर्रा खिला सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ आते हैं तो जस्ट मंदिर परिसर से ही लगा हुआ तालाब है, तो यहाँ पे आएँ और मछलियों को मुर्रा या जो उसका चारा होता है आटा वाला, वो लेकर आएँ और खिलाएँ। और तालाब के जस्ट सामने बच्चों के लिए गार्डन भी है। तो और मंदिर परिसर के जस्ट पीछे में जो है यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, जैसे शिव रुद्र की प्रतिमा जो है, और यहाँ पे नटराज की मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पे और कुछ कुछ मूर्तियाँ जो है यहाँ पर बनी हुई हैं जिसे आप देख सकते हैं। अर्धनारीश्वर शिव की प्रतिमा जो है यहाँ पे है। सेकंड में है सिद्धि विनायक गणेश मंदिर। जैसे ही आप भैरव बाबा मंदिर से थोड़ा दूर आगे जाएंगे तो सिद्धि विनायक मंदिर पड़ेगा। रियल में बहुत ही बढ़िया मंदिर बनाए हैं, और यहाँ पे आपको ज़रूर एक बार जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम इस मंदिर में और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम अंदर गए तो यहाँ पे इंडिया में जितने भी गणेश भगवान हैं वहाँ पे सभी का फ़ोटो जो है यहाँ पे वॉल पे लगाया गया है, उसे आप ज़रूर देखें। और ये यहाँ का मुख्य सिद्धि विनायक मंदिर, गणेश प्रतिमा। तीसरा में है लखनी देवी मंदिर। जैसे ही आप सिद्धि विनायक मंदिर से निकलेंगे तो पहाड़ियों पर जो है आपको विशाल हनुमान भगवान आपको देखने को मिलेगा। यह है लखनी देवी की पहाड़ियों पर स्थित हनुमान मंदिर। तो ये इसका एंट्रेंस है, चलिए चलते हैं। यहाँ पे लखेसर महादेव मंदिर भी है नीचे में, और जस्ट यहाँ से आगे जाएंगे आप तो यहाँ पर सीढ़ी है लखनी देवी मंदिर ऊपर चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे 259 सीढ़ियाँ हैं, तो इसे आसानी से चढ़िए। और चलते हैं हम ऊपर, तो हम पहुँच चुके हैं ऊपर, और ये है लखनी देवी मंदिर। जय माता दी। तो यहाँ से ऊपर से पूरा रतनपुर दिखता है, बहुत ही बढ़िया दृश्य रहता है यहाँ का, तो एक बार देखिए जरूर इसे। चौथा में है खोखो बावली। तो यहाँ पर खोखो बावली जो है यह बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ से सुरंग गया है बिलासपुर तक, और यहाँ का जो बादल महल है वहाँ के लिए, जब राजा जो है यहाँ से कहीं जाना रहता था, जैसे बिलासपुर जाना रहता था, तो इस सुरंग का उपयोग करते थे, या आक्रमण की स्थिति में या असुरक्षा की स्थिति में इस सुरंग का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ से चलते हैं हम, इसको दिखाते हैं आपको नीचे जाकर कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से गया है। पर जब मैं यहाँ पे गया था तब यहाँ पे पानी था, इस कारण से नीचे मैं दिखा नहीं पाया कि अंदर कहाँ तक है। तो आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसे ही आप जाएंगे तो देखेंगे इस साइड जो है यह बिलासपुर जाता है, श्याम टॉकीज है वहाँ पे जाता है, और ये जो एक साइड इस साइड देख रहे हैं राइट साइड में, यह जो सुरंग है यह बादल महल जाता है। तो वो सामने देख रहे हैं एक कुआं है यहीं पर, तो ये लगा हुआ है। तो यहाँ जब सूखा, जब गर्मी के टाइम पे आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं जब भी गर्मी में आऊँगा तो इसे एक्सप्लोर करके ज़रूर दिखाऊँगा। तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ का वीडियो बनाइएगा, तो मैं ज़रूर ही इस पर पूरा फुल डिटेल वीडियोस जो है बनाऊँगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ के निवासी से। ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं खोखो बावली। यहाँ से रास्ता निकला हुआ है श्याम टॉकीज बिलासपुर, और बादल महल निकला हुआ है, उसमें भी कुआं के अंदर पे है। तो दोस्तों, लखनी देवी से जैसे ही निकलेंगे तब थोड़े ही दूर में यह खोखो बावली सुरंग है, तो यहाँ पे आइए इसे देखिएगा। और इसके जस्ट बाहर में जो है यहाँ पर ये कुआं है जो आप देख रहे थे नीचे में, तो ये वो कुआं है।
तो यहाँ पानी वानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। पाँचवा में है बादल महल, तो जो सुरंग है ये डायरेक्ट बादल महल आता है, तो यह अभी तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। तो यहाँ पे घोड़साल है, यहाँ पे जो राजा और रानियाँ के जो है यहाँ पे घोड़े को जो है रखा जाता था, तो यहाँ पे कई सारे चैम्बर बने हुए हैं, तो यहाँ पे घोड़े को जो है रखते थे। ऐसा बोलते हैं जो रतनपुर के राजा थे उनकी रानियाँ जो है यहाँ पर रहती थी बादल महल में। यह पाँच मंजिला महल था और अभी पूरी तरह जो है ध्वस्त हो चुका है। और जो सुरंग है खोखो बावली वाला जो सुरंग है, एक ये मंदिर, ये जो बादल महल है जिस इसके पीछे में ही एक कुआं है, वहाँ तक जो है वो सुरंग आता था। तो यहाँ से जो है कभी भी आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर घूमना ना भूलें। छठवें नंबर में है मूसा खां की दरगाह। बादल महल से जैसे ही आप निकलेंगे तो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है मूसा खां की दरगाह आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा फेमस जो कोई दरगाह है तो वह यह है। फर्स्ट जो है लोथरा शरीफ का है। लोथरा शरीफ का डिटेल या फुल वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ, उसका वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो यह रतनपुर का सबसे बढ़िया दरगाह है। यह रतनपुर के दर्शनीय स्थलों में से एक है। अगर आप कभी भी रतनपुर आते हैं तो यहाँ पर भी विज़िट करें मूसा खां की दरगाह। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो ये जगह को ज़रूर घूमें। पूरे चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है यह दरगाह, तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। सातवें नंबर में है रहस्यमय 20 दरवाज़ों वाला मंदिर। तो यह महामाया मंदिर से जस्ट पीछे में करीब 2 किलोमीटर अंदर पे जो है यह मंदिर स्थित है। यह 20 दरवाजे हैं यहाँ पर। यह मेरे को सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगा क्योंकि 20 दरवाजे वाला मंदिर सुन के ही लगता है कितना रहस्यमय हो सकता है। तो यह मंदिर रियल में रहस्यमय था। और यहाँ पे देखिए, ये अंदर हम आए तो ये इसका मुख्य मंदिर है, बट यहाँ पे कोई मूर्ति स्थापित नहीं किया गया है। यह मंदिर को आई थिंक लगता है मुझे कि यह ध्यान करने के लिए या कोई मंदिर की स्थापना करने के लिए या पूजा पाठ के लिए जो है बनाया गया था, पर इसमें मूर्ति स्थापित नहीं किया गया है। और यह धीरे धीरे जो है टूटते जा रहा है क्योंकि इस पर ध्यान बिल्कुल भी दिया नहीं जा रहा है। यह ईंटों और चूना पत्थर से जो है बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही जाएंगे आप तो कई सारे अलग अलग जगह पे जो है दरवाज़ा बना हुआ है। तो आप यहाँ पे आइए, इसे देखिए। और जस्ट मंदिर के बाहर जो है विशाल तालाब है और इसके चारों ओर छोटे बड़े मंदिर हैं। तो यहाँ पे विज़िट करें इस जगह को। और यहाँ पे जैसे आप इसके जस्ट मंदिर परिसर से लगा हुआ जैसे थोड़ा से जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर में एक ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी दिया गया है। ऐसा बोला जाता है कि ऊपर में भगवान शिव की जो है लिंग है, पर अभी तो ऊपर जाने के लिए कोई साधन नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता। और इससे जस्ट बाहर चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, ये 20 दरवाज़ा जो है अलग अलग तरफ से मुड़ा हुआ है और जहाँ भी जाएंगे एक दरवाज़ा बना हुआ है। तो यहाँ पे आइए और विज़िट करिए इस जगह को, और इस जगह के बारे में मुझे बताइए और डिटेल से कमेंट करके। तो दोस्तों, यह 20 दरवाजे वाला मंदिर जो है धीरे धीरे ध्वस्त होते जा रहा है। यहाँ पे 4 गुंबद था जिसमें का एक गुंबद जो है वह टूट चुका है। ये तो यहाँ पे आइए और बताइए इस जगह के बारे में। आठवें नंबर पर है माँ महामाया मंदिर। इस पर मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ, इसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं दे रहा हूँ। तो यह है महामाया माता, जय माता दी। नौवें नंबर में है पंचमुखी शिव मंदिर। जैसे ही मंदिर परिसर से पीछे निकलेंगे आप तो यहाँ पे पंचमुखी शिव मंदिर है। यह महामाया मंदिर परिसर के अंदर ही है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो यहाँ पंचमुखी शिव मंदिर है, यह चंडिका कुंड से लगा हुआ है। तो यह मंदिर रियल में बहुत ही अच्छा शिवलिंग है और मंदिर है। यह मनौती स्थल है। यहाँ पे अगर आपकी कोई मनोकामना है तो यहाँ पे अपनी मनोकामना जो है एक नारियल में बांध कर जो है आप रख सकते हैं, और जब भी मनोकामना पूरी होती है तो उसे निकाल लें। दसों में है प्राचीन किला। महामाया मंदिर से जैसे ही आप निकलेंगे तो यहाँ पे प्राचीन किला है, इसे गज महल व हाथी महल भी कहा जाता है। चलते हैं हम अंदर और जानते हैं इसके बारे में। इस मंदिर को पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ अंदर में कई सारे तालाब और कुएं थे, पर इसे पूरी तरह भी पाट दिया गया है। और यहाँ पे कई सारी मूर्तियाँ हैं, जैसे मैथुन करती हुई मूर्तियाँ, गज की मूर्तियाँ, और
यहाँ पे रावण द्वारा जो है अपने सिर को शिव भगवान को अर्पित करती हुई मूर्तियाँ जो है यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं यह इस महल के अवशेष थे। कलचुरी राजाओं का यह महल देखने के लिए व रतनपुर देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग आते हैं। प्राचीन किले के अंदर जो है जगन्नाथ मंदिर है, तो यह जगन्नाथ मंदिर भी बहुत ही फेमस है, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह प्राचीन किला के अंदर ही जो है अंदर है, तो यहाँ पे भी आए तो जगन्नाथ मंदिर जरूर घूमें। यहाँ पे हैं गरुड़ भगवान और जस्ट इसके सामने में है जगन्नाथ भगवान। बारहवें नंबर में है राम टेकरी मंदिर। यह पहाड़ियों में स्थित है, बहुत ही बढ़िया दृश्य रहता है, रतनपुर पूरा रतनपुर जो है यहाँ से दिखता है। यहाँ का वीडियो मैं बनाने को नहीं मिला इसलिए नहीं बना पाया। तेरहवें नंबर में है गिरजाबंद हनुमान मंदिर। तो जैसे अब राम टेकरी से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे थोड़ा दूर आगे जाएंगे तो यहाँ पे गिरजाबंद हनुमान मंदिर है, बहुत ही बढ़िया हनुमान मंदिर है यहाँ पे। तो यह दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है और यहाँ पे आए और दर्शन करें भगवान हनुमान का। तो यह मंदिर जो है यहाँ पे धीरे धीरे भी यह बन रहा है, अभी कम्प्लीटली बना नहीं है। तो यह यहाँ पे भी आप आएँ और विज़िट करें। यहाँ पे कई आसपास में भी कई सारे मंदिर हैं इस मंदिर परिसर में ही। तो जस्ट मंदिर के सामने में राम मंदिर है और मंदिर परिसर के जस्ट पीछे में शनिदेव की मंदिर है। चौदह नंबर पे है कुटाघाट जलाशय। अगर आप परिवार के साथ पिकनिक एंजॉय करना चाहते हैं या बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं या टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप कुटाघाट आइए, रियल में बहुत अच्छी जगह है। और यह जलाशय बहुत ही बड़ा जलाशय है, बिलासपुर का सबसे बड़ा जलाशय है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। मुझे आने में बहुत देर हो गया था, शाम हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो है लाइटिंग नहीं है। पर आप यहाँ पे आएंगे तो दूर दूर तक यहाँ पर जो है सिर्फ पानी ही पानी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो रियल में बहुत अच्छा जगह है। और इस जलाशय में एक मंदिर डूबा हुआ है, यह शिव का मंदिर है, शिव मंदिर है यह। तो यहाँ पे जब पानी सूख जाता है तब यह मंदिर दिखता है। और यहाँ पे आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। बहुत ही जल्द अभी यहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट शायद स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे हो सकता है वाटर स्पोर्ट। और यहाँ पे एक बीच में ही एक टापू है जहाँ पे प्रवासी पक्षी जो है होते हैं। यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे पक्षी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 1 से 2 हज़ार पक्षियाँ जो है यहाँ पे प्रतिदिन यहाँ पे रुकती हैं। शाम टाइम जब आप यहाँ पर आएंगे तो चिड़ियों की आवाज़ चहचहाहट आपको सुनने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पे आए और विज़िट करें। पंद्रहवें नंबर पे है राधा माधव मंदिर, बूढ़ा महादेव और छोटे बड़े बहुत से मंदिर। राधा माधव मंदिर यह रियल में बहुत ही भव्य मंदिर है, राधा माधव मंदिर। तो यहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ से के सबसे प्राचीन मंदिरों में से